May I have your attention, please? Train number 13239, Patna Express from Patna to Kota via Sultanpur, Lucknow, Kanpur Central, Agra Cant is now ready for departure from platform number 8. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. पता है आजकल क्लास में बैठे हुए माँ से बात करते हुए या फिर बस में सफर करते समय एक सवाल मेरे जहन में अटकता है, आखिर मेरी जिंदगी का अस्तित्व क्या है? What is the purpose of my life? किसी महान शख्स ने कहा है, जब आपके विचार और भावना आपकी जिंदगी से बड़े हो जाते हैं तब आप अपने जिंदगी का अस्तित्व ढूंढने लगते हैं। मानव अस्तित्व एक पहेली जैसा है और मनुष्य को उस पहेली को बिना कोई स्पष्टीकरण के स्वीकार कर लेना चाहिए। पर आजकल सड़क के कोने में बैठकर चलती हुई गाड़ी को देखता रहता हूं, मानो ये सब एक सपने जैसा है और सब मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। मैं खुद को इस सक्सेस की रेस में पीछे पा रहा हूं, इसलिए मैं खुद की तलाश में निकल पड़ा हूं। नई अप्रोच, नई सोच और नई जगह पर। भाई यार लाइट बंद कर दे यार। भाई भाई यार लाइट बंद कर दे। अरे यार कर दूंगा ना यार, टाइम अभी पता नहीं क्या हुआ है, कुछ काम कर रहा हूं, खत्म होती कर दूंगा बंद। क्या है Thank you.
दिक्कत है क्या? नहीं यार कुछ नहीं भाई। क्या फिर से घर की याद आई? भाई यार एक तो घर वालों ने इतनी दूर भेजा है मुझे, कोई क्लास ही नहीं हो रही, हजारों मैंने सोसाइटी ज्वाइन कर ली और साला खाना तुझे पता ही है कैसा मिल रहा है। और एक यार मुझे तुझे पता है ना, मुझे एक हॉबी थी यार, मुझे शूट करना कितना पसंद है, समय ही नहीं मिल रहा उसके लिए। घर वालों ने यार इतनी मुझे इतना सोच समझ के इतनी आस लगा के मुझे भेजा है यार, मुझे कुछ करना है भाई उनके लिए, कुछ करना है। चल मुझे एक बात बता, क्या जो भी तूने करना है, क्लासेस है तेरी या फिर तेरी सोसाइटी है जो तूने ज्वाइन करी है, तूने कुछ चूज करी थी ना? वो कोई सोसाइटी तेरे पास आई थी क्या? नहीं आई थी ना, तो फिर तू उन सबको कैसे ब्लेम दे सकता है यार? तुझे शूट करना है या फिर तेरी हॉबी है, तुझे ये करना है, तुझे ब्लॉग बनाना है, तुझे कुछ भी करना है, सब तेरी हॉबी तूने खुद से चूज करी है, सोसाइटीज तूने खुद से चूज करी है, तो तू ब्लेम उन पे क्यों डाल रहा है यार? तू व्लॉग में किसी के 5 सेकंड का पहाड़ का 360 शॉट देखता है, अबे वो वंडरलैंड वाली दुनिया को पाने के लिए, उस एक शॉट अच्छे से शॉट को पाने के लिए उन्होंने 5 घंटे का ट्रेक किया होता है, 5 घंटे का ट्रेक। तो तू इतना स्ट्रगल देख रहा है कि भाई मुझे ना वहां, तू स्ट्रगल तो देखता नहीं है, मुझे किस बता तूने ये देखा कि यार मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये शूट करना है, मुझे ये अच्छा करना है, पर उससे पहले स्ट्रगल भी तो देखते हैं। तो तेरे घर वाले तुझे यहाँ भेजा है, तू एक स्ट्रगल है, तेरी ये लाइफ का पार्ट है, स्ट्रगल का पार्ट है। अब तू बार बार घर जाता रहेगा, मुझे बोलेगा भाई घर जाना है, तो वो तेरा कंफर्ट जोन है, तो तू स्ट्रगल वाले पार्ट में तो रही नहीं, तू कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। हर महीने तुझे घर जाना होता है, तुझे हर चीज कुछ ना कुछ ऐसे करनी होती है। तो मैं तो बस ये बोलूंगा यार, एलिस इन वंडरलैंड वाली दुनिया से बाहर और थोड़ा रियल, थोड़ा प्रैक्टिकल बन बस। द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ ARSD कॉलेज प्रेजेंट्स अस्तित्व। काश मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता और उस एनीवेयर डोर से मैं उसके दिल तक पहुंच जाऊं। अरे यार चुप हो जाओ, कल इवेंट है, इवेंट की तैयारी की सोच लो। वो यार कल के इवेंट के लिए अगर किसी के पास कोई सजेशन है तो दे दो। सिमर भाई आपको भी कुछ बोलना हो तो बोल लो, नहीं तो बाद में कहोगे मौका नहीं दिया बोलने का। अरे राजेश हाँ ये कर लो पहले। मेरी टीम बहुत अच्छी है, आपस में एक दूसरे की केयर करती है, बहुत काइंड है, सबका साथ देती है, बात मानती है, जो भी बोलो सारी बात मानती है। अच्छा जो भी मेरी पिटेगी तू। अच्छा जल्दी से करो सारे काम। तेरा ही सवाल लौट के आता, आखिर अब क्यों तू वापस ये ले आता, हर सुबह हर शाम हर रात ये सोच के मैं पछताता, क्यों तू है दूर इतनी अब तू वापस आ जाना। ठंडी हवा सी बहती थी जब तू मेरे साथ रहती थी, रातें भी सुबह जैसी थी जब ये हवाएं बहती थी।
मेरा काम है, कभी और चले। और भाई रिजल्ट क्या रहा तेरा? कौन सी चाहिए तेरा भाई की? तो करियर को लेकर टेंशन होती रहती है। अभी मैं सेम वन में फेल हो गया, मैं किस मुंह से मम्मी पापा को बोलूँगा? मुझे आज भी वो चेहरा याद है जब मम्मी पापा मुझे छोड़ने आए थे। मम्मी जब रो रही थी और पापा के आंखों में आंसू थे। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मैं जानती हूँ करियर की टेंशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये भी तो सोचना कि एक ही लाइफ है और हर वक्त किसी न किसी चीज़ की टेंशन लगी रही और इस टेंशन के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट गवा देते हैं। जो तेरा फेस चल रहा है काफ़ी डिवाइन फेज है, यहाँ पर करियर की तो ज़रूर सोचना पर लाइफ भी ज़रूर चाहिए। मौज कर यार, और अपने साथ वालों को देखते हैं उनकी तो मौज कभी ख़त्म ही नहीं होती। पर ये मुझे जल्दी से जल्दी कुछ बनना है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ के बस पकड़ के चले जाऊँ। साथ वालों के साथ रहता तो हूँ पर लगता है मैं अकेला हूँ। अकेले कहीं बैठता हूँ तो मन में हजारों बातें चलती है। मैं फ़ोन में देखता हूँ सब ना कुछ कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? एक्टिंग कर रहा हूँ जो मुझे करनी नहीं है। पढ़ाई मुझसे होती नहीं है, मैं करूँगा क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुतों को छोड़ कर आया और काफ़ी दूर से, पर ये भी तो देखो यहाँ पर कितने सारे मिल गए, अपनापन मिल गया। और सक्सेस की बातें, करियर की बातें, किसी को 22 साल की उम्र पर सक्सेस मिलता है और कोई 50 की उम्र में जाके मिलने लगता है। सबका अपना अलग टाइम जोन, और दूसरों के टाइम जोन से अपने आप को क्यों कम रहते हैं? पर दी तो भी मुझे पता नहीं, ऐसे अंदर से लगता है मैं जब इसे बैठता हूँ। देख, शायद जो कुछ भी मैं कह रही हूँ कि वो तेरी समझ में नहीं आएगा। घर जाइए, आराम से सोच, तेरा भी सिस्टम बैठ जाएगा किसी न किसी। अच्छा सुन ना, फ्री हूँ मैं भी, आइसक्रीम खाने चल रहे? पता नहीं यार, अपन भी अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? आई गेस हो जाऊंगा सक्सेसफुल, इतनी जल्दी ही क्या है? आज समझ आया जब माँ कहती थी सब चीजों से पहले तू इम्पोर्टेंट है। अरे थक गए यार सोच सोच कर। खैर अब तो एंजाइटी भी कूल हो गया है ना। बस डर इस बात का है कि मैं अपना कहीं आज ना खो दूं। आसपास में लोगों को देखता हूं कितना दर्द है उनके अंदर, फिर भी वो खुश रहकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज भी मैं खुद से पूछता हूं कि मेरी जिंदगी का अस्तित्व क्या है, पर खैर अब मुझे जानना ही नहीं है।
भी नहीं है, चलो तू मेरे साथ है। आंखों में आंखें डाल के ऐसा लगे कि थम जाए जहां, तेरी ही बाहों में बस जाऊं मैं तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म। कब आएगा वो पल जो देखूं मैं तुझे, समझ आए मुझे कि तू ही है ये। कब आएगा वो पल जो तू मिले मुझसे, और कह पाए मुझे कि तू ही है ये। I'm not afraid to die।